हेलो दोस्तों, मैं चंदन सिंह SFG क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग अलजबरा पढ़ रहे हैं और अलजबरा में हम लोग आज स्पेशल कंडीशन 2 पढ़ेंगे, क्यूब में स्पेशल कंडीशन 2। तो आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि क्या क्या अप्रोच होना चाहिए इस स्पेशल कंडीशन 2 में और किन किन बातों को हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो मेरे पास पहला कंडीशन आता है, स्पेशल केस 2, टू और थ्री एक तरीका से हम बोल सकते हैं सेम ही है। एक तरीका से टू और थ्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेम ही है। तो यहाँ जो मेरे पास यहाँ कंडीशन जो आता है, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन रहा हो, तो यहाँ से जो मेरे पास केस जो निकल के रिजल्ट बन के आता है, एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, माइनस हो, या इस फॉर्म में दिया गया हो, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन दोनों का मतलब सेम ही है। दोनों का मतलब क्या है, मेरे पास सेम ही है। ये दोनों केस में हमेशा एक्स का क्यूब किसके बराबर होगा, माइनस वन के बराबर होगा। अब ये चीज़ को हम लोग देखते हैं कि एक्स का क्यूब माइनस वन इक्वल टू ये आता कैसे है, ये आता कैसे है। तो जो मेरे पास इसका सॉल्व करने का पहला अप्रोच है, वे वन, चीज़ों को आप ध्यान से समझिएगा, ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही है। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू किसके बराबर है, ये जीरो के बराबर है। तो एक फॉर्म जानते होइएगा या फिर एक फॉर्मूला आप जानते होइएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस का कितना बी स्क्वायर। यानी ये मैं आपको आगे जब फॉर्मूला पे सॉल्व कराऊंगा वहाँ ये चीज़ को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। यहाँ आप केवल ध्यान रखिए कि हम इस फॉर्मूला को इतना लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखते होइएगा, दोनों में बेसिक डिफरेंस मेरे पास एक ही है कि अगर चीज़ ये आपको माइनस में, यानी इस वैल्यू को ए प्लस बी को हम छोड़ दें, तो जो यहाँ जो टर्म है उसमें अगर ए बी माइनस में है तो फॉर्मूला आपका प्लस का बनता है, अगर ए बी प्लस में है तो फॉर्मूला किसका बनता है, माइनस का बनता है। तो क्या ये टर्म हमको गिवन है, या हम इसको इस तरीका से आप समझिए कि ए का क्यूब, या फिर आप इसको इस तरीका से समझिए, एक्स का क्यूब प्लस ए का क्यूब को हम इस तरीका से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। यही चीज़ हमको यहाँ दिया हुआ था, यही चीज़ हमको दिया हुआ था। और फॉर्मूला बनाने के लिए हम दोनों तरफ किससे गुणा करा लेते हैं, हम दोनों तरफ गुणा करा लेंगे किससे, तो एक्स प्लस वन से, यहाँ भी एक्स प्लस वन से और इधर भी एक्स प्लस वन से। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट मिल के एक फॉर्मूला बन गया, एक्स का क्यूब प्लस वन का क्यूब ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो को। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स का क्यूब किसके बराबर होगा, माइनस वन के बराबर होगा। ये हम लोग के पास पहला अप्रोच है जहाँ से हम क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। अब मेरे पास जो दूसरा तरीका आता है, अब जो मेरे पास दूसरा तरीका आता है इसी को सॉल्व करने का, मैं इस फॉर्मूला को मिटा देता हूँ। कंडीशन में फिर से वापस लिखता हूँ, कहीं पर भी आपको मिल जाए, यदि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन, या फिर इसी को थोड़ा सा चेंज करके हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना, जीरो। ये दोनों का मतलब सेम है और दोनों को मिला के हम डायरेक्ट रिजल्ट बोल सकते हैं, एक्स का क्यूब हमेशा किसके बराबर होगा, माइनस वन के बराबर होगा। इसी चीज़ के बारे में आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो जो मेरे पास दूसरा जो तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, जो दूसरा तरीका मेरे पास है, अब इसको आपने ध्यान रखना है, यदि हमको पता है कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू कितना दिया है, वन दिया है, और बेसिक फार्मूला से अगर हम एक बार इसका स्क्वायर कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इस एक का स्क्वायर करेंगे एक और माइनस में से टू करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का वन। मैं इसको पूरा ना लिख के केवल लिख सकता हूँ ये किसके बराबर, ये अगर एक के बराबर रहा होगा तो ये किसके बराबर रहा होगा, माइनस वन के बराबर होगा। लेकिन आपने ध्यान देना है कि हमको क्यूब में कुछ रिजल्ट चाहिए, हमको किस में रिजल्ट चाहिए, क्यूब में। तो हम दोनों तरफ किससे गुणा करा दिए, इधर भी एक्स से गुणा करा दिए और इधर भी, यानी कंप्लीट में हम एक्स से गुणा करा दिए। तो इधर जो मेरे पास टर्म बचेगा एक्स
का क्यूब प्लस एक्स जब ऊपर आएगा तो बेस सेम रहेगा तो यहाँ बचेगा वन बाई एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स और इसको हम इधर शिफ्ट करा देते हैं तो एक्स का क्यूब प्लस वन बाई एक्स इधर माइनस था तो इधर आके प्लस का एक्स हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा ये जीरो के बराबर और इसी का हम वैल्यू जानते हैं किसके बराबर दिया गया है एक के बराबर तो एक्स का क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं एक्स का क्यूब किसके बराबर होगा माइनस वन के बराबर होगा। ये मेरे पास इसको सॉल्व करने का दूसरा अप्रोच है और भी देखते हैं और क्या क्या अप्रोच हो सकता है। इफ ये हमको गिवन था एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू कितना है एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन था तो क्या यहाँ से हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स का क्यूब प्लस वन बाई एक्स का क्यूब ये किसके बराबर होगा। तो हम यहाँ भी बात बोल सकते हैं कि पावर एक से हमको पावर तीन पे जाना है यानी तीन गुना पे जाना है तो इस वैल्यू का हम क्यूब करेंगे तो एक का क्यूब तो एक ही होगा और इसमें से हम लोग माइनस करते हैं इसी वैल्यू का तीन गुना तो माइनस का तीन इक्वल टू कितना होगा माइनस टू। तो मैं इसको वापस फिर मिटा के कंप्लीट को लिखता हूँ कितना माइनस का टू। और ये बात हम मैं आपको थोड़ा सा और बात बताना चाह रहा था यहाँ यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू मैं इसको इधर लिखता यदि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू के बराबर था तो मैं एक स्पेशल कंडीशन बता चुका हूँ पहले x इक्वल टू क्या होता है हमेशा किसके बराबर एक के बराबर। इसी तरीका से अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू अगर माइनस टू के बराबर है तो यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ x का वैल्यू किसके बराबर होगा माइनस टू के बराबर होगा होगा ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ भी मैं बोल सकता हूँ यदि ये दोनों वैल्यू किसके बराबर है माइनस टू के यानी दोनों का सब माइनस टू के बराबर है इसका मतलब ये भी वैल्यू मेरा माइनस वन रहा होगा और ये भी वैल्यू क्या रहा होगा ये भी वैल्यू क्या रहा होगा मेरे पास माइनस वन। तो यहाँ से भी मैं बात बोल सकता हूँ एक्स का क्यूब इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास माइनस वन आ गया। तो ये भी एक तरीका है इसको हमको सोचने का। बाकी और भी तरीका हम लोग देखते हैं ये मेरा मेथड नंबर थ्री है और भी इस चीज़ को हम लोग बारे में क्या करते हैं बात करते हैं। अब मेरे पास जो यहाँ जो तरीका आता है तीसरा चौथा तरीका आता है मैं इसको मिटा के फिर से यही सॉल्व करता हूँ। और जो मैं ये जो चौथा तरीका बताने चल रहा हूँ मैं बताने जा रहा हूँ वे नंबर फोर ये आपको इम्पोर्टेंट है मैं इसका यूज डायरेक्ट आगे भी करूँगा इसलिए आप इस चीज़ को क्या करते रहिएगा समझते चलिएगा और क्या होगा कि चीज़ों को आसान बनाने के लिए आपको क्या करना है ध्यान रखना है। अब मेरे पास जो तरीका आता है सवाल में ये दिया गया मैंने एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन था तो क्या हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू अब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ माइनस वन होगा। कई बार मैं बता चुका हूँ आप इस चीज़ को देखिए किधर से आता है। अब मेरे पास जो तरीका है हमको निकालना है कितना एक्स का पावर थ्री एक्स का पावर क्या निकालना है थ्री निकालना है तो हम क्यों नहीं इसी को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें इसको हम किससे गुणा कर दें एक्स से तो क्या हम इस कंप्लीट को अगर एक्स से यानी इस पूरा पार्ट को अगर हम गुणा करा देते हैं एक्स से तो क्या यहाँ एक्स का क्यूब प्लस एक्स हो जाएगा ना इक्वल टू माइनस का कितना होगा एक्स हो जाएगा और इस पार्ट को अगर हम जोड़ लें इस पार्ट को अगर हम जोड़ लेते हैं या मैं इसको इस तरीका से भी तो सॉल्व कर सकता हूँ। इसको मैंने क्या करा ये दोनों तरफ इससे हमको पावर कहाँ तक जाना है तीन तक जाना है तो हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे हमको क्या करना है कि एक्स से गुणा करके पहले हम एक्स स्क्वायर बनाएंगे फिर एक्स का पावर क्या बनाएंगे थ्री बनाएंगे। उसी तरीके से अगर हमको एक्स का पावर फोर जाना था तो हम पहले एक्स से एक्स स्क्वायर बनाते हैं फिर एक्स से गुणा करके एक्स का क्यूब बनाते हैं फिर एक्स से गुणा करके क्या बनाएंगे एक्स का पावर फोर बनाएंगे। उसी तरीके से अगर एक्स का पावर फाइव होता एक्स से जाना था तो हम डायरेक्ट एक्स का पावर फाइव से नहीं जाते हम पहले एक्स से जाते एक्स स्क्वायर एक्स से गुणा करा के एक्स स्क्वायर बनाते फिर एक्स स्क्वायर से गुणा करा के एक्स का क्यूब बनाते हैं फिर आगे एक्स से गुणा करके पावर फोर बनाते हैं फिर उससे और आगे यानी जब जब टर्म में जाना तो हमको डायरेक्ट नहीं जाना हमको क्या करना है स्टेप बाई स्टेप हमको बजाते जाना है स्टेप बाई स्टेप क्या करना है हमको ऊपर जाना है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि हमको एक्स के क्यूब तक जाना है वो रिजल्ट हमको निकालना है अगर वो रिजल्ट निकालना है तो हमको स्टेप बाई स्टेप जाना है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मैंने एक्स से गुणा कर दिया इसको मैंने एक्स से गुणा करा दिया तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स मैंने एक्स स्क्वायर पे आ गया फिर मैं इसको अगर एक्स स्क्वायर से गुणा करा देता हूँ फिर मैं इसको एक्स स्क्वायर से गुणा कर एक्स से गुणा करा देता हूँ तो जो मेरे पास अब रिजल्ट बनेगा एक्स का क्यूब प्लस एक्स
इक्वल टू एक्स का क्या होगा, स्क्वायर होगा। और इस चीज़ को मैं क्या कर लेता हूँ, जोड़ देता हूँ। अगर मैं जोड़ता हूँ, मेरे पास जो टर्म आ गया, मैं बराबर से इधर इधर लिखता हूँ, फिर उसको उधर लिखता हूँ, तो इधर जो बचेगा एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये बराबर से इधर है, इस बराबर से इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर इस बराबर से इधर हो जाएगा प्लस का एक्स का क्यूब प्लस एक्स, इक्वल टू हो जाएगा बराबर से इधर वन है प्लस एक्स है, और प्लस का कितना है एक्स स्क्वायर है। आप इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स से क्या होगा एक्स मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। अब जो मेरे पास बचा क्या क्या, अब मेरे पास क्या बच रहा है, ये सही है ना, एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ भी एक्स, फिर एक्स से एक्स का क्यूब एक्स, और यहाँ भी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और तीनों को मैंने एक साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। तीनों को एक साथ जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, तीनों को हम एक साथ ना जोड़ के हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस पार्ट को इक्वेशन वन मान लिया और इस पार्ट को इक्वेशन टू, तो जो अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल नहीं होगी, ये इससे कैंसिल होगी, ये इससे कैंसिल होगी, तो यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ एक्स का क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो है, तो एक्स का क्यूब इक्वल टू क्या होगा माइनस वन हो जाएगा। और यही मेरे पास एक्स का क्यूब माइनस वन निकालने का क्या था, तरीका था। तो अब आपने ध्यान रखना है कि यदि कहीं पर भी एफ, यदि कहीं पर भी एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या है, जीरो है। उस कंडीशन में हमेशा एक्स का पावर थ्री इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन होगा। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या क्या सवाल बनता है, आइए उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। इसके ऊपर और क्या क्या सवाल बनता है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। इस पर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू यदि 1 है तो x का पावर क्या निकालना है, 9 निकालना है, किसके बराबर होगा। यदि x प्लस वन बाई एक्स, यदि x प्लस वन के बराबर है तो यहाँ से फाइंड करना है x का पावर 33 प्लस वन बाई एक्स का पावर 33 इक्वल टू क्या होगा। मैं इसको आसानी से लिख सकता हूँ, फिर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन है तो अपने फाइंड करना है x का पावर 52 प्लस वन बाई एक्स का पावर कितना, 52 इक्वल टू कितना, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन है तो अपने फाइंड करना है x का पावर 99 प्लस वन बाई एक्स का पावर कितना, 99। ये भी जीरो लेवल का सवाल है, इसको आप आसानी से बोल सकते हैं, या ये फॉर्मेट में रहे, या इस फॉर्मेट पर रहे, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके जाए, यानी हमें इस पार्ट को हम कंप्लीट को ये भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना, जीरो। ये चीज़ देख के ये पूछ लेता है या ये चीज़ देख के पूछ रहा है, हम इस सब का मतलब एक ही बात जानते हैं कि एक्स का क्यूब किसके बराबर आता है, माइनस वन के बराबर आता है, आता है। यही चीज़ तो मैंने तीन चार मेथड से आपको समझाया है। अब यहाँ से मेरे पास बात आता है, पहला सवाल में भी तो एक्स का क्यूब इक्वल टू माइनस होगा, इसको हम तीन के टर्म में लिख सकते हैं, एक्स का पावर थ्री और होल टू द पावर कितना, थ्री, यानी माइनस वन का पावर तीन इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस वन। इसमें भी तो एक्स का पावर थ्री इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, माइनस वन होगा, और यहाँ से भी हमको तीन चाहिए, तीन का मल्टीपल है ये, तो एक्स का पावर 33 को हम लिख सकते हैं, एक्स का पावर थ्री होल टू द पावर कितना, 11 प्लस वन बाई एक्स का पावर कितना, थ्री और होल टू द पावर कितना, 11, और एक्स का पावर थ्री इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन का पावर ऑड होगा तो माइनस वन और माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस का टू। उसी तरीका से यहाँ फाइंड करना है, इस कंडीशन में भी तो मैं बोल सकता हूँ एक्स का पावर थ्री इक्वल टू क्या रहा होगा, माइनस वन रहा होगा, एक्स का पावर थ्री इक्वल टू क्या रहा होगा मेरे पास, माइनस वन रहा होगा। इस कंडीशन में भी बोल सकता हूँ कि 17, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 17 इक्यावन, एक्स का पावर एक्स इंटू एक्स का पावर 51 प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स का पावर कितना, 51, और इसको हम लिख सकता हूँ कितना, इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ एक्स का पावर 3 और होल टू द पावर कितना, 17, यहाँ माइनस वन होगा और माइनस वन का पावर कितना हो जाएगा, ये मेरे पास ऑड हो जाएगा, तो माइनस वन का माइनस ही वन होगा। तो इस कंप्लीट को मैं एक्स का पावर 11 को हटा के लिख सकता हूँ माइनस वन, और माइनस वन को मैं गुणा कराऊंगा तो यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा कितना एक्स माइनस में, ये भी आ जाएगा, और यहाँ भी मैं माइनस कॉमन लेके बोल सकता हूँ एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू, और हमको पता है एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना था, गिवन वन था, तो यहाँ भी कितना आंसर आता, वन हो जाता। उसी तरीका से यहाँ भी हम आंसर करेंगे एक्स का पावर थ्री और होल टू द पावर क्या रखेंगे, 33, यहाँ भी मैं बोल सकता हूँ
आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को देख के इसको नोट करते चलिएगा। एक्स का पावर 3 और होल टू डी पावर कितना 33 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 3 और होल टू डी पावर कितना 33 और x का पावर 3 इक्वल टू, जब ये कंडीशन गिवन है तो हम जानते हैं x का पावर 3 इक्वल टू क्या आता है, -1 आता है। तो -1 का पावर वो ऑड हो गया तो -1, यहाँ भी -1 का पावर ऑड हो गया तो -1, तो अपना आंसर कितना हो जाता, तो माइनस का कितना हो जाता 2 हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ पाए होइएगा। जब कोई बच्चे हमको पर्सनली मैसेज करते हैं व्हाट्सअप पे कि सर और बेसिक से, इससे बेसिक नहीं हो सकता है, हम लोग ग्रेजुएशन पास होने के बाद से चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, ये तो कोई मैट्रिक लेवल का है नहीं। अगर आपको बेसिक करना ही है तो ये तो बात नर्सरी वाला हो जाएगा। आपको एक स्टैंडर्ड मान के मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि ये चीज़ आपको क्या होता होगा, आता होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है आपको समझना। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो चीज़ों को आप आसानी से क्या कीजिएगा समझ में। इससे बेसिक हो ही नहीं सकता है, इससे बेसिक हम जा ही नहीं सकते हैं। इससे अगर बेसिक जाना है तो आपको फिर वही है, एकेडमी क्लास में क्या लेना होगा, आपको एडमिशन लेना होगा और फिर वापस आप ग्रेजुएशन में आइएगा तो चीज़ें आपको यहीं से फिर पकड़ना शुरू करना होगा। इसलिए आप इस चीज़ को क्या कीजिए, समझ में नहीं आता है तो आप इस चीज़ को क्या कीजिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए। वीडियो आपके पास हमेशा के लिए है, आप जितनी बार देखना चाहते हैं देख सकते हैं। चीज़ों को क्या कीजिए, समझिए, इससे बेसिक हो ही नहीं सकता है। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट को मैं क्या लेके आ रहा हूँ, इसको मैं कहाँ से लेके कैसे लेके आ रहा हूँ, उसी चीज़ को मैं तो डील कर ही रहा हूँ। कुछ कंडीशन होगा जिसके आधार पर आपको क्या रखना है, रिजल्ट को ध्यान देना है। तो मैं इस चीज़ों को क्या करता हूँ, और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा और बढ़िया बढ़िया मैं इसके ऊपर सवाल लेता हूँ कि और क्या क्या कंडीशन के ऊपर सवाल बनता है। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू, यदि 1 था तो आप डायरेक्ट बोलिए x का पावर 3 इक्वल टू क्या होगा, तो हम जानते हैं रिजल्ट क्या होगा। ये कभी ये आपको अभी ये सॉल्व आउट नहीं करना है कि ये कहाँ से है कहाँ से नहीं है। इसके ऊपर जितना भी आपको कंडीशन था इसके ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत करना और यहाँ से कुछ क्या करना, आपने रिजल्ट निकालना है जिसके आधार पर क्या होगा आंसर आपको फाइंड करना है। जैसे मैं एक और सवाल लेता हूँ, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो आपको फाइंड करना है x का पावर 6 इक्वल टू कितना, x का पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 3 इक्वल टू 1 है, तो आपने फाइंड करना है x का पावर 9 इक्वल टू कितना। ये तो आप फाइंड कर ही सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व किस तरह से कीजिएगा, मैं एक और सवाल लेता हूँ, 5.5 प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना, 5.5 इक्वल टू 1 है, आपने फाइंड करना है x का वैल्यू 16.5, x का पावर 16.5 या x का पावर 16 या x इंटू एक्स का पावर 4 इंटू एक्स, ये भी आपको फाइंड करना है। आपको यही फाइंड कीजिए, मैं इसके ऊपर फिर सोचता हूँ कि और क्या क्या सवाल इसके ऊपर बन सकता है, आपने यही सवाल लगाना है। अब इसको सवाल लगाने के लिए आपको 2 सेकंड 1 सेकंड बहुत है, आप इसका आंसर आसानी से ला सकते हैं। मैंने पहले ही कंडीशन कराया था कि यदि कहीं पर भी आपको x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू नजर आता है 1 के बराबर, तो हम दिमाग में आना चाहिए एक्स का पावर इक्वल टू क्या होगा, मेरे पास माइनस होगा। अब क्या यही चीज़ यहाँ है, इस पूरा पार्ट को एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर ना लेके केवल x लेके चलते हैं, तो क्या x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या होता 1 था, तो हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, x माना है, तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x का क्यूब इक्वल टू कितना, तो माइनस 1। लेकिन ध्यान देना है, x मैंने x स्क्वायर को माना था, तो x स्क्वायर का होल का पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 का पावर इसका भी क्यूब, तो x का पावर 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा इस बार माइनस का 1, तो माइनस का। तो चीज़ों को आपको समझते चलना। अब यहाँ से हमको ये चीज़ बार बार नहीं करना, क्या ये इससे 3 गुना पे है यानी क्यूब हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये रिजल्ट मेरा माइनस 1 रहा होगा। यहाँ भी 3 गुना पे है तो इसका भी रिजल्ट माइनस 1 रहा होगा। यहाँ भी ये 3 गुना पे है, 5.5 का 3 गुना करेंगे तो 16.5, ये भी कितना रहा होगा, माइनस 1 रहा होगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है ताकि हमको ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़े। ज़्यादा दिमाग अगर आपको लगाना ही है तो आप कंडीशन के ऊपर लगाइए कि और हम यहाँ से कुछ रिजल्ट बना के एक जगह रखें और उसका बार बार प्रैक्टिस करें और पेपर में हम उसका यूज क्या कर लें, डायरेक्ट कर लें। तो मैं इसके ऊपर और सवाल लेता हूं, आप चीज़ों को क्या करते चलिए, समझते चलिए, नोट डाउन करते चलिए और इस चीज़ को आप बार बार समझिए। ये ज़्यादा मैंने पहले ही बोला है कि अलजबरा ज़्यादा भारी भरखम सब्जेक्ट नहीं है,
आप केवल उसको बना के रखे हैं या पढ़ते नहीं हैं, या कोई पढ़ाता होगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं आता होगा। इंटरेस्ट आपका तब आएगा जब चीज़ों को आप क्या कहते होइएगा, समझते चलिएगा, समझ में आने लगा ऑटोमेटिक वो आपको इंटरेस्ट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब यहाँ से मैं और सवाल लेता हूँ, इफ़ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन था तो आपने फाइंड करना है एक्स का पावर 12 प्लस एक्स का पावर 9 प्लस एक्स का पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू कितना। इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से फाइंड करना है एक्स का पावर 48, 47, 46, 45, 44, 43 इक्वल टू कितना। एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन है तो एक्स का पावर 53 प्लस वन अपॉन एक्स का पावर कितना 53 इक्वल टू कितना। अब यहाँ से आपको रिजल्ट बताना है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है तो आपने फिर फाइंड करना है एक्स का पावर 9 इक्वल टू कितना। फिर मैंने ये चार सवाल लिया है और ये चारों सवाल को आपको वीडियो को पॉज करके क्या करना है, ध्यान देना है। अब यहाँ पर फिर मेरे पास एक बात आता है, मैंने आपको x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू रूट टू कराया था, वहाँ बताया था x का पावर 4 इक्वल टू माइनस होता है। तो क्वेश्चन को हम आसान बनाने के लिए हम पावर में डिफरेंस कितना का देखते थे, 4 का, और जहाँ 4 का डिफरेंस आता था दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करते थे, जीरो करते थे। बात फिर मेरे क्यूब में भी आता है स्पेशल कंडीशन 1 में, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू यदि रूट टू के बराबर था तो वहाँ एक्स का पावर 6 इक्वल टू क्या बनता था, मेरे पास माइनस वन बनता था। और हम क्वेश्चन को फिर से आसान बनाने के लिए जहाँ पे पावर में 6 का डिफरेंस था दोनों को कैंसिल आउट करके क्या करते थे, हम लोग जीरो करते थे। यहाँ भी बात वही होगा कि आप जब भी कोई संख्या दिया है, बड़ा बड़ा पावर है, तो हमको केवल यहाँ चेक करना है, ये केवल तब करेंगे जब x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ से हम बात जानते हैं कि x का पावर 3 किसके बराबर होगा, माइनस वन के बराबर होगा। तो यहाँ पे अब हमको पावर में क्या ध्यान देना है कि गैप कितना का आना चाहिए, 3 का, तो ये दोनों वैल्यू कट के जीरो होगा, फिर यहाँ भी कट के जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी डिफरेंस 3 का है, तो आंसर अपने पास कितना आ गया, 1 आ जाएगा। यानी मैं इसको इस तरीका से लिख सकता हूँ, इफ़ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन है तब आपने एक नोट में यहाँ नीचे लिख लेना है कि पावर अगर बहुत बड़ा बड़ा एक साथ बहुत बार दिया गया हो तो हम पावर में डिफरेंस कितना का देखेंगे। तो डिफरेंस मेरे पास कितना आना चाहिए, 3 का, और जो डिफरेंस 3 ला के देगा उस दोनों वैल्यू को हमको क्या कर देना है, जीरो कर लेना है। तो यहाँ से ही बात आता है, फिर से यहाँ भी आता है, क्या यहाँ पर पावर में डिफरेंस 3 का है, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ 45 और 48 में 3 का डिफरेंस, ये भी जीरो। 46 और 43 में डिफरेंस कितने का, 3 का, ये भी जीरो। 47 और 44 में भी डिफरेंस कितने का, 3 का, तो ये भी मेरा आंसर कितना हो जाता, जीरो हो जाता। यहाँ भी x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू कितना है, ये x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू कितना है, 1 है। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि x का पावर 3 इक्वल टू क्या रहा होगा, मेरे पास माइनस वन रहा होगा। और यहाँ भी हमको 53 में 3 खोजना है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम x का स्क्वायर अलग रखेंगे और 51 को एक साथ लाएंगे, प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर कितना 51। और ये वैल्यू हम जानते हैं 17 51। मैं इधर इसको सॉल्व करके यहाँ मैं डायरेक्ट लिखूँगा एक्स का पावर 11 को मैं लिख सकता हूँ, एक्स का पावर 3 और होल टू डी पावर कितना 17। एक्स का पावर 3 इक्वल टू मेरे पास माइनस वन, माइनस वन का पावर 17 इक्वल टू कितना होगा माइनस वन, यानी ये भी माइनस वन और ये भी माइनस वन। गुणा कराएंगे हम, माइनस को अगर कॉमन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का हमको वैल्यू निकालना कहाँ से है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स से वैल्यू निकालना है। और यहाँ से हम जानते हैं कि अगर पावर 1 से 2 हुआ है, दोगुना पे है, तो हम डायरेक्ट लगा लेंगे एम का स्क्वायर माइनस 2, तो 1 का स्क्वायर 1, इसमें से 2 घटाएंगे तो माइनस 1 होगा। ये पूरा ये वैल्यू मेरा माइनस 1 आया, माइनस को छोड़ के ये वाला वैल्यू मेरे पास माइनस 1 आया है, ये वाला वैल्यू मेरे पास माइनस 1 आया है, लेकिन इसमें गुणा भी किससे कराना हमको, माइनस 1 से, तो आंसर प्लस का कितना हो जाता, 1 हो जाता। मैं इस बात को बोल सकता हूँ। अभी इससे पहले मैं लास्ट सवाल ले रहा हूँ, मैं इससे पहले ये भी बात बता चुका, या ये टर्म दे दे या इसके जगह पे ये चेंज करके दे दे, सब का मतलब क्या है, एक ही है। तो यहाँ भी हमको पता है, जैसे ये इस दोनों टर्म के बदले हम लिख सकते हैं x का पावर 3 इक्वल टू कितना माइनस वन, और यहाँ लिख सकते हैं इस x का पावर 9 को x का पावर 3 और होल टू डी पावर कितना 3, x का पावर 3 और होल टू डी पावर कितना 3, और x का पावर 3 इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन का पावर 3 माइनस, इसको मैं इस तरीका से लिख सकता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ।
इसको मैं इस तरीका से x का पावर 3 और होल टू द पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ। x का पावर 3 इक्वल टू माइनस 1 का पावर कितना 3, और माइनस 1 का पावर 3 इक्वल टू माइनस 1 का पावर 3 ऑड है, तो रिजल्ट क्या बनेगा मेरे पास, माइनस 1 बनेगा। तो इस तरीका से हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अब ये एक और सवाल मैं लेता हूँ जो मेंस में पूछा गया है। अब वो क्या सवाल है आपके पास, एक्स का पावर 32 माइनस एक्स का पावर 16 प्लस 1 इक्वल टू कितना है 0, तो फाइंड करना है एक्स का पावर 48 प्लस एक्स का पावर 96 इक्वल टू कितना। अभी आपने फाइंड करना है, चीज़ों को आप समझते होइएगा, तो ये भी बेसिक बात ही है। अब यहाँ से बात मेरे पास वही आता है कि हम इसको इस तरीका से तो लिख सकते हैं, क्या मैं इसको इस तरीका से लिख सकता हूँ, 32 है तो मैं इसको दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया, x का पावर 16 से, और इधर भी x का पावर 16 से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x का पावर 16, x का पावर 16 माइनस 1 प्लस 1 बाई x का पावर कितना 16 इक्वल टू 0, तो x का पावर 16 प्लस 1 बाई x का पावर कितना आ गया 16 इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। और ये हम बात जानते हैं कि इस कंडीशन से x का पावर 3 इक्वल टू मेरे पास क्या आता है, माइनस 1 आता है, लेकिन यहाँ x का पावर कितना है 16 और होल टू डी पावर 3 करेंगे, ये भी किसके बराबर, माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x का पावर 41 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। अब मैं यहाँ बात पुट कर सकता हूँ, x का पावर 48 इक्वल टू माइनस 1, और यही हमसे पूछा गया था, माइनस 1 आ गया, और यहाँ लिख सकता हूँ x का पावर 48 इंटू होल टू डी पावर कितना, तो ये माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 जब पुट करेंगे तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, यहाँ कट के आंसर कितना आया था 0। तो ये मेंस में क्या किया गया है, पूछा गया है, जो बात अगर आप बेसिक कंडीशन जानते हैं उसी से एक लेवल ऊपर का ये सवाल, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इससे एक लेवल ऊपर या इससे एक लेवल नीचे का बात देखे आपसे वो जानना चाह रहा है कि आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो मेरे पास वही है, बेसिक बात अगर मेरे पास होता है तो उनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक अगर कंडीशन आपको पता है तो आपको सॉल्व करने में कोई भी सवाल दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कंडीशन को आप समझ पाइए होइएगा। इसके बाद हम लोग अलजेब्रा में और इससे क्या करेंगे, आगे चलेंगे और वहाँ चीज़ों को फिर क्या करेंगे, हम समझ के आसान बनाएंगे। तब तक आज यहीं तक, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।